राजस्थान का भी मुद्दा उठ रहा है श्याम बाबा का, कि भाई हम तो कह रहे कि भाई श्याम मतलब भगवान कृष्ण तो है नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण का तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब न वो भगवान कृष्ण की मूर्ति है न भगवान कृष्ण का स्थान है, क्योंकि वो तो दाढ़ी है और ये सब चीजें आपने देख ही लिया है कि वो मूर्ति भगवान कृष्ण की नहीं है। परंतु उसको भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करने के लिए पूरी जोर लगा दिया, केवल इसलिए कि उसका नाम श्याम श्याम है, श्याम बाबा है। अब श्याम बाबा को पुजवाना है तो फिर उसके लिए उसको भगवान कृष्ण का तीर्थ स्थल बना दिया। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए पास करा दिए, गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट में लिख दिया प्रसिद्ध कृष्ण जन्म ये तीर्थ स्थल है, भगवान कृष्ण का तीर्थ स्थल है। अब भगवान कृष्ण का वो तीर्थ स्थल है क्या? भगवान कृष्ण की मूर्ति है वहां पर, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थल अन्य जगह है, जब वृंदावन में हम बाकी बिहारी जी मानते हैं, या अन्य कोई भी जगह द्वारका में है, जगन्नाथपुरी में, ये तो ये कृष्ण स्थल है भाई, कि वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति है। हाँ, और वो मूर्ति का अपना भगवान कृष्ण की जैसे विधान होता है अनुसार वहां भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ तो मूर्ति भी भगवान कृष्ण की नहीं है, पूजा भी भगवान कृष्ण की नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कृष्ण स्थल उसको कृष्ण श्री कृष्ण जन तीर्थ स्थल के रूप में उसको घोषित कर दिया। और ये सब गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट में लिखा हुआ है, देवस्थान विभाग के अंतर्गत, तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। और किसी भी धर्माचार्य को कोई आपत्ति नहीं है, आप मूर्ति रावण के बैठाओ और पूजा वहां राम की करो, कोई समस्या नहीं है, कोई धर्माचार्य बोलने वाला है नहीं। समाज में ये ऐसे ही अधर्म पाखंड फैलता रहता है, कोई भी प्रेत मर गया उसका कुछ कुछ दिनों के बाद कोई, अरे यही तो छोड़ो आप हिंदू चलो मनुष्य के तो छोड़ो, कोई अगर पीर फकीर भी मर कोई अपने कृष्ण मजार है तो उसको भी जो है देवी ओम साईनाथाय नमः बना के और धारवी बनाकर उसको भी पूजा कर रहे हैं। और हिंदू समाज के लोग, क्योंकि भाई उसको प्रचलित किया गया कि हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल है ये, तो वहां जाकर माथा टेक रहे, खूब धन चढ़ावा चढ़ा रहे। और जहां गाय भूखी मर रही है, जहां गुरुकुल भारत भूमि में नहीं है, साधु संतों के आश्रमों में जो सुविधा व्यवस्था चाहिए वो नहीं है, जो मूल मंदिर है 51 शक्तिपीठ है, दिव्य शक्तिपीठ है उनके, वो वहां पर जो है जीर्णोद्धार करना चाहिए वो नहीं, वे व्यवस्था करनी है, तो यहाँ पर धन नहीं है। लेकिन ये ऐसे मजारों में जाना, ऐसे जो मतलब भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है फिर भी भगवान कृष्ण के नाम पर वहां छल हो रहा है, सब लोग भगवान, और गवर्नमेंट भी उसको कह रही है, खूब पैसा भी दे रही है, और ये समाज में सब कुछ अधर्म चल रहा है, लेकिन किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। और यदि कोई धर्माचार्य, और हमारे कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जिनको स्पेशली बैठाया गया कि भाई आप सनातन धर्म की रक्षा करोगे और समाज को शास्त्रोक्त मार्ग बताओगे, शास्त्र के अनुसार उनका आगे बढ़ाओगे उन्हें, परंतु वहां पर उनके लिए भी वो भी जो है वो अपनी परंपरा को भूल के ऐसे अशास्त्रीय और छल युक्त समाज को जो प्रचलित किए जा रहे चीजों पर भी, स्थानों पर भी ये लोग धर्माचार्य अपनी नियम और मर्यादा का उल्लंघन करके वहां पहुंच रहे हैं और समाज को ये संदेश दे रहे कि ये जो भी अधर्म हो चाहे पाखंड हो कुछ भी हो लेकिन ये इसको पूजो। जब समाज को पता है कि भाई श्री कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं है तो उसको श्याम 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 करके चिल्लाने कर उसमें श्याम पुराण बना देना, श्याम देवाय नमः, और भगवान कृष्ण का तीर्थस्थल घोषित कर देना, ये कहाँ की मूर्खता है। और ये धर्माचार्य की बुद्धि पर इतना मतलब, जितने जो भी धर्माचार्य वहां पर समर्थन कर रहे हैं तो पतन तो होता है बुद्धि का, पता चलता है कि भाई बुद्धि निम्नगामी भी होती है, लेकिन इतनी निम्नगामी हो जाएगी? शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पीठों पर बैठे हुए धर्माचार्य भी उस ऐसे अशास्त्र चीज का विरोध करने की जगह उसका समर्थन करने के लिए अपने क्षेत्र से, क्षेत्र का जो नियम है कि क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए, शंकराचार्य जी ने कहा था कि अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए, मिठम नए महानुशासन में लिखा है, लेकिन नहीं, अपना क्षेत्र छोड़ के वहां पहुंच जाना। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई आप अधर्म करो, पाखंड करो, लोगों को उसको मूर्ख बनाओ, फिर भी उसको हम समर्थन करेंगे, जैसे कि ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने किया था। वो स्थिति चल रही है समाज में, अब समाज को तय करना है कि आप स्वयं को कहाँ ले जाना है।